अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। काशिफ राइट की जानिब से लेटेस्ट वीडियो सर आपके पास आए हैं। ये वीडियो मेरी उन स्टूडेंट्स के लिए है, आप कह सकते हैं कि जिनका यूएचएस के लिए एग्रीगेट 77 या आप कह सकते हैं बीडीएस के लिए 72 है, बट एमबीबीएस ही उनका ड्रीम है। वो चाहते हैं कि उन्होंने हर हाल में एमबीबीएस करना है। पाकिस्तान में एमबीबीएस के एडमिशन या बीडीएस की अगर बात करूँ तो जो करंट सिचुएशन है वो आपको बहुत अच्छी तरह पता है। यहाँ पर मेरी ढेर सारी वीडियोज अवेलेबल हैं जिनमें आप तमाम चीज़ों को देख सकते हैं, मैं उन चीज़ों को रिपीट नहीं करना चाहूँगा। बट अभी आपके पास जो आप कह सकते हैं कि बेस्ट ऑप्शन स्टिल अवेलेबल है वो आपके लिए एमबीबीएस का किर्गिस्तान है। वहाँ पर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ओपन है, इस हवाले से हमारा इदारा आपको मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट भी करेगा। किर्गिस्तान में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के आप कह सकते हैं कि अपने प्रोज एंड कॉन है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो कुछ उसके प्लस पॉइंट होंगे और कुछ आपके नेगेटिव पॉइंट होंगे। यहाँ पर जो आज मैं आपको यूनिवर्सिटी सजेस्ट करने जा रहा हूँ वो रॉयल मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी ऑफ किर्गिस्तान है। यहाँ पर इस मेरी वीडियो में अगर आप चेक करेंगे तो आपको इस हवाले से तमाम डिटेल भी मिल जाएंगी। और यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर डॉक्टर फरमान साहब को मैं इस वीडियो के एंड पे आपको एक मिनट का इंटरव्यू भी सुनाऊंगा, इसमें वो खुद आपको यूनिवर्सिटी के बारे में तमाम डिटेल्स बताएंगे। अगर आप हमारे इदारे फीडबैक लेना चाहते हैं तो यहाँ पर अगर आप मेरे चैनल पर आए तो यहाँ पर स्टार्टिंग में वीडियोज मौजूद है, इन वीडियोज को भी अगर आप चेक करेंगे तो आपको इस हवाले से तमाम डिटेल मिल जाएगी। हमने जो रिसेंटली वहाँ पर स्टूडेंट आप कह सकते हैं कि भेजे थे उनका इस हवाले से क्या ओपिनियन है। अगर प्रोसेस वगैरह के हवाले से मैं आपसे बात करूं तो प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। आपने जस्ट आप कह सकते हैं कि आप एडमिशन लेटर के लिए जो है एफएससी और मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड प्रोवाइड करना होता है। एडमिशन लेटर आप कह सकते हैं कि हम आपको विद इन वन डे प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद आपने वाइट बैकग्राउंड के साथ अपने पासपोर्ट साइज पिक और अपने पासपोर्ट का जो है स्कैन कॉपी प्रोवाइड करना होती है, हम आपके इन्विटेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग होते हैं जो आपसे क्या मतलब कोई आपको कहता है इतने पैसे दें इतने पैसे दें, नहीं, आपको पाकिस्तान में वीज़े के लिए सिंपल और सिंपल जो है $100 यानी 15,000 रुपये पे करना होता है। उसके बाद आपका आप कह सकते हैं कि 10 to 15 वर्किंग डेज में आपका वीज़ा आ जाता है और आप वहां जाकर अपनी क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा इदारा इस हवाले से आपको मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट करेगा, कोई हिडन चार्जेस नहीं, किसी किस्म की कोई स्कैमिंग नहीं। हम यहाँ पर मतलब आप कह लें जब एक फील्ड में काम कर रहे हैं तो हमें इस चीज़ का आइडिया है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। उस पर खैर मैं डिटेल में एक अलग वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा कि आपको कहाँ कहाँ किस तरह की आप कह सकते हैं कि स्कैमिंग हो सकती है। लेकिन इंशाल्लाह ताला हम आपको रिटर्न में जो एग्रीमेंट देंगे उसी चीज़ को फॉलो करेंगे और इस हवाले से आपको किसी किस्म की कोई कंप्लेन नहीं होगी। नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके इस हवाले से फर्दर डिटेल मुझसे ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको मज़ीद टाइम ज़ाया नहीं करता और आपको लेकर चलता हूँ डॉक्टर फरमान की जानिब, वो आपको बताएंगे रॉयल मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फरमान है, डायरेक्टर ऑफ रॉयल मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी। आज मैं आपसे रॉयल मेट्रोपॉलिटन मेडिकल यूनिवर्सिटी के ऑफिस से बात कर रहा हूँ। मेरा आज की वीडियो बनाने का मकसद उन पेरेंट्स को गाइड करना है, उन स्टूडेंट्स को गाइड करना है, उन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को गाइड करना है जो कि जिनका पाकिस्तान में मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हो सका किसी भी वजह से, एग्रीगेट कम होने की वजह से या मार्क्स कम होने की वजह से। जिस तरह कि मेरा ख्वाब था डॉक्टर बनना और 6-7 साल पहले मैंने भी पाकिस्तान में ट्राई की लेकिन मेरा नहीं हो सका था, तो मैंने फिर किर्गिस्तान रशिया चूज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं डॉक्टर हूँ और मेरी अपनी मेडिकल यूनिवर्सिटी है। तो वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और वो पाकिस्तानी पेरेंट्स जिनका ख्वाब है कि अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना और स्टूडेंट जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, अगर पाकिस्तान में आपका नहीं हुआ तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पाकिस्तानी फैकल्टी है, हॉस्टल पाकिस्तानी और मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए सेपरेट से हॉस्टल्स हैं गर्ल्स और बॉयज़ के लिए। हम यहाँ पे पाकिस्तानी हमारे पास कुक हैं, पाकिस्तानी खाना प्रोवाइड करते हैं बच्चों को और पीएमडीसी पीएमसी डब्ल्यूएचओ अल्हम्दुलिल्लाह रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी हमारी। हमारे पूरे पाकिस्तान में ऑफिस हैं, कराची से लेकर पिशावर तक हर सिटी में जितने भी पाकिस्तान के बड़े सिटीज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑफिस हैं। आप हमारे ऑफिस विजिट करें और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं गर्ल्स एंड बॉयज़ हम उनको ग्रुप्स में फ्लाई करवाते हैं। और वो पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों को अकेले ट्रेवल करवाने से डरते हैं या वो सोचते हैं कि वहाँ पे कैसे मैनेज करेंगे, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मुस्लिम कंट्री है, ये बिश्केक कैपिटल सिटी के सेंटर में यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। तो आप अपने पेरेंट्स जो भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के साथ ट्रेवल कर सकते हैं, हम उनको वीज़ा प्रोवाइड करेंगे, वो यहाँ पे आए हम उनको अकोमोडेशन देंगे। हमारी पूरी टीम है जो कि एयरपोर्ट से रिसीव करती है बच्चों को और हमारे जो पाकिस्तानी प्रोफेसर हैं हमने उन पाकिस्तानी प्रोफेसर को हायर किया हुआ है जो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर ऑलरेडी टीचिंग कर रहे थे पाकिस्तान के प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। तो आप हमारे पास विजिट करें, इंशाल्लाह आपका ख्वाब पूरा होगा और आपके बच्चों का ख्वाब पूरा। फरवरी और मार्च इनटेक के लिए एडमिशन ओपन है, तो मेरा नंबर भी स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप मेरे से डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, रॉयल मेट्रोपॉलिटन के पेज के जरिए आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में हमारा ऑफिस विजिट करें, हमारी टीम से मिले, इंशाल्लाह वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मेरी टीम से पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।